जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, झा सर अकेडमी को अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा, राइट। मैं आपकी तैयारी जो है वो यूपीएससी लेवल की करवाता हूँ, बट मैं ये भी क्लेम करता हूँ कि अगर आप पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आपका पीएससी भी निकलेगा, राइट। क्योंकि मैं आपकी मेनली जो तैयारी होती है यहाँ पर इस लेक्चर्स में, जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर करेंट अफेयर्स के लेक्चर्स कवर कराता हूँ, प्लस हमारे काफी सारे पेड बैचेस भी चलते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं जो तैयारी कराता हूँ वो यूपीएससी लेवल की कराता हूँ स्पेशली, राइट। बट मैं हमेशा ये क्लेम करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो आपका पीसीएस भी आराम से निकल जाएगा, स्मूथली बिल्कुल। और उसका मैं प्रूफ भी देता रहता हूँ, काफी सारे प्रूफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो है वो मिल जाएंगे। अभी एक और प्रूफ मुझे बनाना था वेस्ट बंगाल पीएससी का, मैं बना नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया, राइट, उस चक्कर। और बाकी आज जो है वो हरियाणा पीएससी का एग्जाम हुआ 12 सितंबर 2021 को, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ाया है, मैंने जो चीजें आपको, और देखिए आप कितनी सारी चीजें, मतलब आप प्रीलिम्स तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पर करेंट अफेयर्स के लेक्चर्स फॉलो करें और मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, तो प्रीलिम्स तो आसानी से आप लोग का जो है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। और बाकी मेंस के लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो वेल एंड गुड। और बाकी अब एक गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए कि 2022 में जो भी स्टूडेंट जो है वो अपियर हो रहे हैं, तो उनके लिए एक नया बैच जो है वो शुरू करने जा रहा हूं मैं। बहुत ही जल्दी उसकी अपडेट्स आपको रेगुलर करेंट अफेयर्स के लेक्चर में जो है वो मिल जाएगी, राइट। पूरी तरह से प्रिपरेशन, यानी कि जीरो से आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाऊंगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस की, राइट। क्योंकि और पूरे सब्जेक्ट्स की, जीएस पेपर 1 2 3 4 सब कुछ इसके अंदर कवर्ड रहेगा, राइट। तो अभी अभी अपन ऊपर ऊपर खेल रहे थे, बट अब बहुत ही डीप में इन डेप्थ आपका सिलेक्शन करवाने तक मैं आपके साथ जो है वो रहने वाला हूँ, राइट। और बाकी आप जान ही रहे, काफी समय से मैं आप लोग को प्रूफ जो है वो देता आ रहा हूँ, और प्रूफ देना भी जरूरी होता है यार, क्योंकि आप भरोसा करते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं भरोसा करते हैं, राइट। तो ये श्योरिटी तो होनी चाहिए यार कि मतलब जो सामने वाला व्यक्ति जो आपको पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। तो देखो, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप कोई भी जो है वो गलत नहीं पढ़ाता है, राइट। बट आप बस ये चीज ध्यान में रखें कि जो भी, जिससे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जिसके पास भी आपने ज्वाइन किया है, बस ये चीज जरूर चेक करें कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, और आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता रहता है और ट्रेंड को जो है वो बरकरार रखना पड़ता है, और ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए हमारी पूरी टीम जो है वो काम करती है, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको एडवाइस करता रहता हूँ। चलो एनीवेज, अभी अपन हरियाणा पीसीएस के प्रूफ की जो है वो बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस बहुत डिटेल में मैंने पॉलिटी के बैच में इस चीज को कवर कराया था, इवन करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी इस चीज के बारे में बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। देखो, ये तो बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मेरे फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, आराम से जो है वो इसका आंसर दे सकते हैं। ये पूरे आर्टिकल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पॉलिटी के बैच, जिन स्टूडेंट्स पॉलिटी के बैच में होंगे उन्होंने तो काफी अच्छे से जो है वो इस चीज को पढ़ा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में भी बहुत डिटेल में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है पॉलिटी के बैच में। अभी करंट अफेयर्स के बैच के भी आएंगे काफी सारी चीजें, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल का इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, कि जो रेगुलर जो जो है अपने फॉलोअर्स उनको तो रट गया होगा ये 10 शेड्यूल वाला ये टॉपिक। मेरे ख्याल से अभी 2 4 दिन 5 दिन पहले भी ये 10 शेड्यूल वाले टॉपिक को अपन ने कवर किया था शायद से, राइट। बाकी रिवीजन सीरीज में तो काफी बार जो है वो कवर कर चुके, चल ही रहा है। देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है पंचायती राज आएगा, मतलब आएगा। कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसका सिलेबस उठा के देखिए, पंचायती राज तो पूछते ही पूछते हैं, वो सिलेबस में ही है वो, राइट। तो इनसे रिलेटेड पूरी कमिटीज के बारे में मैंने डिटेल में जो है वो कवर कराया था, डिस्कस किया था पूरी कमिटी के बारे में, राइट। ये पूरी कमेटी जितनी भी आप देख रहे हो ना, हर एक कमेटी को डिटेल में जो है वो पॉलिटी के बैच में भी पढ़ाया हुआ है, और इवन रेगुलर करेंट अफेयर्स में भी हमने डिस्कस किया है, कभी ना कभी किया, बट एक्जैक्टली डेट मुझे नहीं याद है। पॉलिटी के बैच में तो उसको बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेंट अफेयर्स के रेगुलर बैच में भी, और इवन पॉलिटी के बैच में भी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करवाया हुआ है, राइट। और बाकी ये देखिए आप लोकसभा के स्पीकर के बारे में, ये तो ये आप क्वेश्चन देखिए, जो भी स्टूडेंट जो रेगुलर बैच में, आप देखिए क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। आपके लिए मैंने जिस तरीके से आपको चीजें पढ़ाते समय बताइए कि आपको किन किन चीजों में ध्यान रखना है, आप स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए बिल्कुल वही चीजें पूछी गई। देखो, फाइनेंस बिल एज मनी बिल, राइट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो हर चीज जो मैंने आप लोग को बताई थी देखिए उसी के अकॉर्डिंग आए। ये जनरल साइंस का एक कुछ क्वेश्चन है, राइट, बेसिक्स है, जो स्टेट सिविल सर्विसेज फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो डालती है। ये लॉजिक लिखा हुआ है, लोगी सी सी नीचे आ गया, ये लॉजिक है, राइट। आप इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर मेरी क्लास आपने पढ़ी होगी स्पेशली जो ऑप्टिकल फाइबर वाली, तो उसमें मैंने आप लोग को ये चीज कवर कराई थी करंट अफेयर्स में, एक आइडिया दिया था आपको, तो पूरे ऑप्शन को देखकर आप लॉजिक लगा सकते हैं। और इवन देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ो आप, आपको तुरंत जो है वो आंसर इसका आ जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, राइट। अगर आप ईमानदारी से रेगुलरली मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ईपीएफओ में देखो, ईपीएफओ में भी इनका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, राइट, कि कौन जो है वो अभी रिसेंटली ईपीएफओ में मेरे ख्याल से इनकी लोकेशन पूछी थी कि कहाँ से आई है,
राइट। तो ये देखो ये फिर से आ गया ओकोंजो का राइट टॉपिक, 17 और 18 फरवरी के करंट अफेयर्स के लेक्चर को उठाकर देखो, इसका आपको टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। मैंने कुछ कुछ में डेट भी डाल रखी है, जो जो डेट्स मुझे मिल गई हैं मैंने वो डेट भी डाल रखी है राइट, कि जिससे कि आप अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो आप कर सकते हो राइट, नो डाउट। और बाकी इसलिए डेट भी आपको दे रखी है कि भाई 17 और 18 फरवरी के लेक्चर में चले जाओ, जो चीज़ ये लिखी हुई है वो एज इट इज आपको मिल जाएगी राइट। और ये आपको लेक्चर्स कहाँ पर मिलेंगे, तो अपनी आप इसी चैनल पर झा सर अकेडमी के चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको पूरे डिटेल में लेक्चर मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से 800-900 लेक्चर की एक अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बना के रखी हुई है। जब से मैं मतलब करंट अफेयर्स के लेक्चर मैंने पढ़ाना शुरू किया, ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि उससे पहले से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अराउंड मुझे करंट अफेयर्स के लेक्चर को लेते हुए करीब 5-5.5 साल तो हो ही चुके हैं। उससे पहले मैं PSIR ऑप्शनल जो है वो लेता था राइट, मेरा डोमेन था, फिर करंट अफेयर्स के लेक्चर में आया। अब पूरी फुल फ्लेज तैयारी आपकी कराऊंगा डिटेल में राइट, हर एक चीज, और बिल्कुल जीरो से आपकी तैयारी। एक नया बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है, बहुत जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो ये OTT प्लेटफॉर्म के बारे में इतनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब देखो यहाँ पर पोकेमॉन गो भी ये लेकर आ गए, तो जो लोग अवेयरनेस रखते हैं तो उनको जो है वो उसके बारे में अच्छे से पता होगा डेफिनेटली। और पोकेमॉन गो तो मेरे ख्याल से ये 2015-16-17 मतलब इसी ईयर में आया था ये, इस प्रकार का पोकेमॉन गो बहुत फेमस चल रहा था, बहुत ट्रेंड में आ गया था ये वाला गेम राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करें, ये इन्होंने जो है वो फैक्ट पूछ लिया है फ्रेश वाटर लेक से रिलेटेड, हालांकि फ्रेश वाटर लेक के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, बट ये वाली चीज जो इन्होंने पूछी है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कौन सी फ्रेश वाटर लेक जो है वो कहाँ पर है राइट, तो ये वाली चीज जो है वो उन्होंने पूछी हुई थी। बट एक्चुअली मैंने ये वाला फैक्ट आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने क्लियर कर दी कि यार ये फैक्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट ये फैक्ट इन्होंने पूछा है क्योंकि स्टेट सिविल सर्विस का नेचर होता है फैक्चुअल चीजों को पूछने का। बट मैं आपकी तैयारी जो कराता हूँ वो कंसेप्चुअल बेसिस पर कराता हूँ, जिससे कि ना ही सिर्फ आपका प्रीलिम्स निकले बल्कि मेंस भी निकले राइट। स्पेशली मैं टारगेट करता हूँ UPSC के ऊपर, और UPSC लेवल की जो तैयारी कराता हूँ उसमें स्टेट PSC तो आराम से निकालोगे आराम से, बट उसमें थोड़ा से फैक्ट्स वगैरह ध्यान में रखना पड़ता है जो कि रेगुलर लेक्चर्स के दौरान मैं आपको बताई देता हूँ। रट गया है आपको कि कौन सा नासा का रोवर है जो कि मार्स पे अभी रिसेंटली लैंड हुआ, रट गया है आपको मेरे रेगुलर व्यूअर्स को, तो रट चुका है वाला, इसका आंसर आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है राइट। मेरा तो काम है गाइस सिर्फ आप लोग को बताना है कि कौन से टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए, ईमानदारी से आपने पढ़े होंगे वो सब टॉपिक, तो ये सब आंसर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है राइट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर देना। अब देखो ये हमारे हिस्ट्री के जो एक सीरीज थी, हमारे एक सर है, हमारी फैकल्टी है जिन्होंने हिस्ट्री का सेशन 2021 के लिए जो है वो कंडक्ट करवाया था राइट। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने ये चीज़ करवाई है कि नहीं करवाई, इसलिए मैं इस पर कंफर्मेशन जो है वो नहीं दूंगा, बाकी हिस्ट्री के में भी पूरी चीज़ जो है वो आपकी करवा रखी हुई है राइट, करवा के रखी हुई है। अच्छा इसके अलावा रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर में बट डिटेल में जो है वो इसके बारे में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, बट रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर में काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिस्कस किया था हमने राइट, इस पर्टिकुलर कांड के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने आपको इवन आपको शायद याद आ रहा होगा, बोला भी था उस समय कि यार इसके बारे में पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि ये कई बार जो है वो न्यूज़ पे आ रहा है। इवन मुझे शायद याद आ रहा अभी एक रिविजन सीरीज भी हमारी चल रही है, जो भी स्टूडेंट 2021 में अपियर होंगे, जो रिविजन सीरीज जिन्होंने ज्वाइन करी है राइट, तो जो पेड बैच है रिविजन सीरीज का, तो उसमें भी अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आप लोग को अलग से जो है वो लिखवाया होगा कि इस पर्टिकुलर काकोरी केस के बारे में जो है वो लिख लो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना राइट। तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें मैं आप लोग को इसलिए एडवाइस देता हूँ क्योंकि देखो एक तो वो रहता है एक्सपीरियंस रहता है, हिस्ट्री के बैच में ये वाली चीज़ करवाई हुई है कि मतलब जो जो मुझे याद आ रहा है कि हिस्ट्री के बैच में, क्योंकि मैंने भी देखा है हिस्ट्री का बैच थोड़ा बहुत ओवरव्यू किया है जो सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री के, हमारे फैकल्टी पढ़ाती हैं, तो उन्होंने जो चीज़ मुझे याद आ रही है वो बस मैं आपको बता रहा कि हमने तो पूरी चीज़ डिटेल में करवाई हुई है आपको हर एक चीज़ राइट। ये ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स जो है वो इन्होंने पूछ लिया, यानी कि ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी की अगर जिसको होगी उसको दे देंगे ये, तो उसका आंसर मिल जाएगा। ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया, देखो अरावली हिल्स, हिमालयस, सतपुरा, नीलगिरी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बोला था कि आप याद रखो ये सब चीज़ें कहाँ की हैं, लोकेशन कहाँ की है, रेगुलर लेक्चर्स में मैं आपको बताता हूँ। इवन ये भी है सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास जो है नज़दीक में कौन सी लेक है, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बट मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ पर पढ़ाया, किस जगह पर पढ़ाया, बट करंट अफेयर्स में वाली चीज़ भी कवर करवाई हुई है मैंने राइट। इसके अलावा आगे की बात करें तो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, ये वाला RECEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इसके बारे में भी 16 और 17 अप्रैल के लेक्चर में चले जाओ, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 16-17 अप्रैल 2021 राइट, इसमें चले जाइए, आपको ये वाला आंसर जो है वो उसका आप दे दोगे। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है, रिविजन किया है, मेरे द्वारा बताए गए डायरेक्शन को फॉलो किया है, तो उनको ये इस चीज पर इस पर जाने की भी जरूरत नहीं, तुरंत इसको आंसर आ जाएगा आप लोगों को राइट। और बाकी जिन लोग को प्रूफ जो है वो चेक करना है आप चले जाइए, डेट भी आपके लिए डाल रखी हुई है। देखो बिटकॉइन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, SEBI के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है वो याद रख लेना, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो आगे है मूडीज के बारे में भी हम कवर कर चुके हैं, तो ये तो छोटा सिंपल सा है, इसके बारे में तो टुच्चा सा क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर आप दे सकते हो।
राइट, हिस्ट्री के बैच में जो है वो ये वाली चीज जो है वो हुई है, क्योंकि सर ने हिस्ट्री के बैच में मैप के अकॉर्डिंग ही चीजें कवर करवाई थी, लोकेशन वगैरह कवर करवाया था। अब ये हिस्ट्री के बैच में हुआ है कि नहीं हुआ ये चीज मुझे नहीं पता, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा। ये हरियाणा पीएससी से रिलेटेड इन्होंने कुछ फैक्ट्स वगैरह पूछ लिए हैं, राइट। ये अब जो चीज मुझे याद है गाइस वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी चीजें जो मैंने पढ़ाई है आपको और जो मुझे याद है, तो उसके बारे में मैं आपको दे रहा हूँ। और ये सब चीजें जो चीज मैंने कवर करवाई उससे तो आपका प्रिलिम्स तो आराम से निकल ही जाएगा, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये वाला टॉपिक भी मुझे जहां तक याद है हमने डिस्कस किया हुआ है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, राइट। इवन हिस्ट्री के बैच में तो 100% ये वाला टॉपिक हुआ ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हुआ हो, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी पॉलिटी के बैच में इवन अलग से भी मैंने आपको बोला था कि ये सब जो केसेस जो होते हैं वो जो स्टेट पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए केसेस इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूपीएससी भी पूछ लेती है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिटेल में पॉलिटी के बैच में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। देखो पॉलिटी के बैच से इतने सारे क्वेश्चन आए, जिन जो भी स्टूडेंट्स अपने पॉलिटी के बैच में होंगे मजा आ गया होगा उन लोग को। देखो ये फाइनेंस बिल के बारे में अगेन फिर से जो है वो क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आप पढ़ो आपको पॉलिटी की क्लास याद आ जाएगी कि बिल्कुल यही चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज पूछी जाएंगी। आप नोटिस करना जो भी स्टूडेंट जो है पॉलिटी की क्लास में, आप खुद अंदर ही अंदर से आपको ये बस वीडियो को पॉज करो स्टेटमेंट पढ़ो अंदर से फील आ जाएगा आपको कि अरे वाह यार सर सही जो चीज आपने बोली वो दिख रही है आपको। देखो पॉलिटी के बैच में सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया किस किसके अंदर हमें देखने को मिलती है, किस चीज में देखने को मिलती है, बिल्कुल ये सब चीजें पूछी है मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स के दौरान, क्वेश्चन बना बना के पूछे हैं आपसे, राइट। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल में यूज की जाती है तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये वाली चीज जो है वो मैंने आपको जो स्टार्ट किया था जब सेशन लेक्चर्स के स्टार्टिंग जब हुई थी तो उस समय पॉलिटी के बैच में ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया था, क्वेश्चन मतलब पढ़ाया था, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, पूरी चीज डिटेल में हमने कवर की हुई। ये भी पॉलिटी बैच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया एक, राइट। और ये वाला क्वेश्चन भी ये तो रेगुलर करंट अफेयर्स में भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मुझे शायद याद है अभी दो चार पांच दिन पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, राइट, करंट अफेयर्स के रेगुलर बैच के अंदर। देखो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आ गया, एलोकेशन ऑफ स्टेट्स, शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब, तो ये पॉलिटी बैच और इवन करंट अफेयर्स में भी हमने रेगुलर करंट अफेयर्स में ये सब चीजें कवर की हुई है। देखो एडवाइस किया था मैंने करंट अफेयर्स लेक्चर के दौरान कि यार आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किन किन पर्टिकुलर स्टेट को, यानी कि कौन सी स्टेट जो है वो कब बनी है उसको आप एक ऑर्डर में अरेंज करो। कई बार तो क्वेश्चन भी पूछता हूं मैं रेगुलर करंट अफेयर्स लेक्चर के दौरान, जिन्होंने मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, मेहनत करी होगी, लिख लिया होगा ये वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो उनको तो बेनिफिट डेफिनेटली मिला होगा। देखो एज इट इज जो चीज बताई गई है वो चीज आई है, राइट, क्योंकि आना ही है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के पैटर्न को आपको समझना जो है वो जरूरी है। सिविल सर्विसेज के पैटर्न को अगर आप समझोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं एग्जाम को निकालना। करंट अफेयर्स और पॉलिटी पे दोनों में ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, राइट टू वोट के बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, आर्टिकल 300A के बारे में, 301 के बारे में, सब चीज जो है वो डिस्कस की हुई है काफी डिटेल में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, राइट, तो ये सब चीजें हमने कवर की हुई है ऑलरेडी। अच्छा पॉलिटी बैच में मैंने शायद आपको एक ऑडियो लेक्चर दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, जिस समय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, राइट, और मतलब जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जो होती है ना पॉलिटी के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, तो उसका एक ऑडियो लेक्चर मुझे जहां तक याद है मैंने आपको एक ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था इसका, राइट। अब इसकी मैं कंफर्मिटी नहीं देता हूं बट मुझे ये चीज पता है कि एक ऑडियो लेक्चर तो जरूर मैंने बनाया था इससे रिलेटेड। अब आपको शायद दिया था मैंने या नहीं दिया था बट ये चीज मैंने कवर करवाई है, बट दिया है या नहीं दिया उसको एक बार आप ही लोग जो है वो चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, या फिर रेगुलर लेक्चर्स में मैंने आप लोग को इसके बारे में पढ़ाया भी है, राइट, इन सब चीजों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में पढ़ाते समय बोला भी है कि स्टेट सिविल सर्विसेज ये चीज पूछती है, राइट, और इवन ये वाली चीज तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली ऐसी चीज है जो यूपीएससी भी इसको कवर करती है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 21 तो इतनी बार कवर कर चुके हैं हम लोग पॉलिटी के बैच में, क्लियरली इस चीज के बारे में जो है वो मेंशन किया था, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 के बारे में, राइट। अब इसके अलावा वैसे अगर ये आर्टिकल 14 लिखते ना थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। अब इसको एडवाइस किया था करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैंने आपको इस चीज के बारे में कि मतलब अच्छा हाँ ये चीज मैंने आपको मेंशन करी थी, अलग अलग टाइप से मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर में कि बताइए कि कौन सी जो स्टेट्स हैं हमारी वो समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, कौन सी कोस्टल स्टेट है बताइए, कौन सी कोस्टल स्टेट नहीं है बताइए। तो मैं आपको बोलता हूँ खड़े होइए जाइए दीवार पर जाइए अपने मैप को जो है वो देखिए। क्यों बोलता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट, आपके सामने पूरी चीजें हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ गया एक, राइट, करंट अफेयर्स के बैच में भी इसके बारे में ये वैली ऑफ कश्मीर के बारे में मैंने कितनी बार आपको बोला, मियांडर्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मियांडर्स जो है वो होते क्या है। देखिए आप पूरी चीज आपके सामने, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है, अगर ज्योग्राफी में इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ा होगा, स्टैटिक पोर्शन की ये चीज है करंट अफेयर्स के लिए, बट फिर भी मैं करंट अफेयर्स के रेगुलर लेक्चर देता हूँ, उसी में देखिए आपको कितनी सारी चीजें जो है वो मिल रही है। सिर्फ एक लेक्चर
वो भी 1 घंटे का, कभी कभी 1.5 घंटे का हो जाता है या कभी कभी 30-40 मिनट का होता है, उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रही है 1-1.5 साल तक, तो प्रीलिम्स तो कहीं नहीं गया यार, प्रीलिम्स तो बिल्कुल क्लियर है। देखो ये वाली चीज भी हमने डिस्कस करी 29 मई 2021 के लेक्चर में, चले आना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। ये रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो टॉपिक था तो उसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करें, इसके बारे में भी शायद मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये जो होती है ना ये चिकनकारी कलमकारी, तो ये इसके बारे में शायद मैंने पढ़ा है, बट कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इसलिए मैंने मार्क भी नहीं किया इस चीज़ के बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि डांस फॉर्म वगैरह याद रखो, कि डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना डांस जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, याद आ रहा है आपको? ये एडवाइस, जिस स्टूडेंट ने एडवाइस फॉलो करी है उसको तो सफलता मिलनी ही है। क्लासिकल लैंग्वेज 17 जनवरी 2020 के लेक्चर में चले जाना, ये क्लासिकल लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, राइट। और इसके अलावा ये वाली चीज हिस्ट्री के बैच में ये वाली चीज पढ़ाई हुई है सर ने, अशोकन पिलर्स के बारे में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, राइट, हिस्ट्री वाले सर ने। और बाकी हिस्ट्री के बैच में जहाँ जो चीज मुझे पता है कि हिस्ट्री के बैच में क्या क्या चीज हुई है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, राइट। बाकी मैं अब पूरी तरह से आपकी तैयारी करवाऊंगा 2022 में, मैं ही करवाऊंगा आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब कुछ जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 तरीके से, वो भी और इस तरीके से कि प्रीलिम्स मेंस दोनों कवर होगा, जीरो से तैयारी करवाई जाएगी। बहुत जल्दी उसका एक मैं लेकर आ जाऊंगा आप लोग के लिए बैच की डिटेल्स। और बाकी ये सब हिस्ट्री के सर ने करवाया होगा या नहीं करवाया होगा आई डोंट नो, बाकी ये सब चीज़ें तो कन्फर्म है करवाई होगी। संथल रेबिलियन मैंने आपसे कहा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बिरसा मुंडा कहा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, राइट। कोल अपराइजिंग के बारे में भी हमने शायद रेगुलर करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देखो ये चीज़ आई है तो ध्यान से जो चीज़ एडवाइस देता हूँ उसको किया करो, वो करोगे ना तो फायदे में रहोगे। 24 अगस्त 2021 में चले आना, पीएम कुसुम स्कीम जो है उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ये वाला आंसर जो है वो करके आ जाओगे, कर लोगे आराम से। देखो आपको कई बार बोल चुका हूँ स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, नहीं ये वाली चीज़ नहीं बोली मैंने, रिवर्स रेपो रेट, तो ये तीन चीज़ तो मैंने आपको बोली हुई है कि ये पढ़ो, राइट। इसके बारे में बताया हुआ था पढ़ने के लिए, कहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, राइट, और देखिए बन गए। डेट ट्रैप, ये तो लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है कि कंट्री जो है वो डेट ट्रैप में कब पड़ जाती है, तो उसके लॉजिक्स भी मैंने आपको सिखाए हुए हैं किस प्रकार के। रैयत वारी सिस्टम के बारे में भी हिस्ट्री वाले सर ने कवर करवाए हुए हैं, राइट। ये 5 ईयर प्लान, एक बेसिक सी अवेयरनेस वाली डिटेल जो है उन्होंने पूछ ली। खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, कितनी बार करंट अफेयर्स के लेक्चर में बोला है कि बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि खारिफ क्रॉप कौन से, राबी क्रॉप कौन से, क्यों बोलता हूं मैं, मजे तो नहीं आते मुझे आपसे लिखवाने का, मन तो करता नहीं है, बट फिर बोलता इसलिए हूं क्योंकि जो लिखेगा वो फायदे में रहेगा, जो एडवाइस को फॉलो करेगा वो 100% फायदे में रहने वाला है। कितने प्रूफ मांगोगे, प्रूफ देता मैं इसलिए हूं यार क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, और मुझे मजा आता है ये सब चीजें देख करके, अरे वाह यार कि अपन ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखो ये जनरल साइंस के बेसिक से क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछे हुए हैं, जनरल साइंस वाले, पी एच वैल्यू वाले, ये सब, राइट, जो स्टेट पीएससी का वो रहता है ये नेचर फैक्ट पूछने का। अब देखिए जून 2020 के लास्ट वीक पे चले आना, सोनार वाला टॉपिक आप समझ जाओगे कि सोनार टॉपिक है क्या, राइट। ये टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में आना ही था, सवाल ही नहीं उठता कि ना है, क्योंकि COVID-19 चल रहा था तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, राइट। और देखो ये प्लास्टिक बैग्स, इसके बारे में तो करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी और इवन ईवीएस में भी, एनवायरमेंट के बैच में भी आप लोग को चीज़ें कवर करवा के रखी हुई हैं, राइट। अब ये जनरल सी चीज़ पूछ ली, एक पेशेंट जो है उसको पेट में दर्द होता है, राइट, खाना नहीं बच पाता उसका, राइट, तो डॉक्टर जो है वो उसे प्रोबायोटिक लेने को कहते हैं, तो प्रोबायोटिक किस चीज़ में मदद करती है, तो ये बेसिक सा लॉजिक लगाते तो उसका आंसर आपको मिल जाता, राइट। आरटीपीसीआर के बारे में 2020 के लेक्चर्स में मैंने कवर करवाया हुआ आपको, राइट। इवन नुब्रा वैली, कितनी बार कहा है कि नुब्रा वैली पढ़ना है, मतलब पढ़ना है बहुत डिटेल में पढ़ना है, कितनी बार एडवाइस किया है और कवर भी करवाया, नुब्रा वैली से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और देखिए आ गया। मेरे ख्याल से शायद दिप्सांग प्लेन के बारे में भी मैंने कवर कराया, बट मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं इस चीज़ पर पुष्टि जो है वो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पुष्टि उस चीज़ पर नहीं करूंगा जो चीज़ याद नहीं आ रही। बाकी देखो झूमिंग, नहीं इसके बारे में नहीं करवाया, झूमिंग के बारे में जरूर करवाया हुआ है, झूम कल्टीवेशन वगैरह के बारे में, बाकी के बारे में नहीं करवा, ये लोकल नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। आगे की बात करें, ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्वाड के बारे में तो कितनी बार कवर कर चुके हैं, आशियान के बारे में कितनी बार कवर कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, राइट। अब देखो ये एडवाइस किया हुआ था आपको कि देखो ये वाली चीज पूछी जाएगी, याद रखो इस प्रकार के कौन सी जगह पर। इवन मैंने, मेरे ख्याल से आपको शायद मैंने WHO की एक ऑफिशियल साइट भी अभी कुछ दिनों पहले ही दी थी कि इस पर जो है वो देख लेना, राइट, कि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने वेबसाइट दी थी आपको कि वहां पर जाकर देखो कि कौन से वेरिएंट जो है वो आए हैं, राइट, कोरोना वायरस के, तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, राइट।
ओसीआई कितनी बार कहा है आपको कि ओसीआई आपको कवर करके रखना है बहुत डिटेल में, और इवन पॉलिटी के बैच में तो काफी डिटेल में भी पढ़ाया हुआ था, इवन फ्री करंट अफेयर्स के लेक्चर के बैच में भी इसके बारे में डिस्कस किया था अपन ने डिटेल में। अरे ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग पागल हो चुके होंगे, जो स्टूडेंट मेरे रिविजन लेक्चर्स को ले रहे हैं उनने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, इस टॉपिक को तो करीब 10 से ज्यादा बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 से ज्यादा बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये वाला जो रूल्स हम लोग को 2021 का देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से अभी कल या परसों के लेक्चर में भी शायद ये वाला टॉपिक आया है, रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर में एक बार देख लेना, मिल जाएगा, बहुत बार कवर कर चुके हैं यार, ये तो पक चुके हैं, मतलब इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दोगे टाइटल पूरी चीज आपको याद है इसकी, राइट। चलो आगे की बात कर, देखो INSTC 29 जुलाई 2021 के लेक्चर में चले जाओगे तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का टॉपिक आपको मिल जाएगा, राइट। अटल टनल, इसको भी इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं अटल टनल के बारे में, राइट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत बार कवर कर। 10 मार्च 2021 के लेक्चर पे चले जाओगे तो आपको मैत्री सेतु के बारे में पता लग जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको चीज पता लग जाएगी कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, राइट, कौन सा, 10 मार्च 2021 वहां पर चले जाओगे तो। और बाकी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेट PSC का नेचर होता है स्पोर्ट्स के बारे में पूछना। मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में पढ़ना है तो 16 दिसंबर 2020 में डिटेल में कवर करवाया हुआ है। कवच के बारे में पढ़ना है तो 8 अप्रैल 2020 में कवर करवाया हुआ है। वैक्सीन मैत्री के बारे में पढ़ना है तो 12 जून 2021 में कवर करवाया हुआ है। COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज के बारे में पढ़ना है तो 11 नवंबर 2020 के लेक्चर में चले जाओ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको ये पूरी चीज मिल जाएगी, राइट। तो प्रूफ ऐसे ही नहीं देते, RT-PCR के बारे में पहले कवर कर चुके हैं हम लोग काफी डिटेल में, बट इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए, मेरे ख्याल से शायद इसमें खून निकाल कर टेस्टिंग की जाती है, इसमें कह रहे हैं ना कि इसमें सैंपल जो है वो नहीं लिया जा रहा, कौन सा टेस्ट है जिसमें सैंपल नहीं लिया जाता, तो मेरे ख्याल से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए इसका, जिसके बारे में मैंने शायद आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था ये वाली चीज कि एक ऐसा टेस्ट है जिसमें खून निकाल कर जो है वो टेस्टिंग होती है, मतलब, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको बोला भी था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें, क्योंकि अभी बहुत चल रहा था थ्रोट में स्वैब डाले जा रहे थे, नेजल में नाक में स्वैब डाला जा रहा था, तो किसमें नहीं डाला जाएगा और किसके थ्रू पता लग सकता है, तो ये, राइट, एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग, राइट। बाकी अक्टूबर 2020 में आप जाओगे तो नोबेल प्राइज के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कराया हुआ था, ये पूरी चीज के बारे में, चारों के बारे में मैंने कवर करवाया हुआ, अक्टूबर 2020 की मैगजीन उठाकर देख लो, ये पूरी चीज आपको मिल जाएगी, राइट। और बाकी ये क्या था, ये वाला प्राइस के बारे में तो नहीं कवर किया है। और GST इतनी बार मैंने बकायदा आपको स्टार मार्क कर करके बोला था GST के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पूछेंगे, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपके सामने है पूरी चीज देख लो, अगर रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो ये फायदा मिलेगा जो आपको दिख रहा है अभी, राइट। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यार सिर्फ आकर पढ़ाने का नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपका सिलेक्शन चाहिए, और मेरे पास होते हैं कम स्टूडेंट्स, और क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स होते हैं कई बार मुझे स्टूडेंट लिखते हैं, बड़ा मुझे अजीब लगता है, बोलते हैं कि सर आज की न्यूज नहीं आई है, आज की करंट अफेयर्स की न्यूज नहीं आई है, तो आप देख लो, जाओ आप आज तक देखिए, आप NDTV देखिए, आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं अवेलेबल, आप टीवी खोलो देखना शुरू कर दो, आपको आज की न्यूज देखनी है तो। भाई मैं पढ़ाता हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन हो, कि मैं वो टॉपिक्स उठाता हूँ जिस टॉपिक से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, राइट। मैं ये रेगुलर करंट अफेयर्स के नाम पर बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं करता हूँ, राइट। और दूसरी बात, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ना, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं ना वो बहुत समय बाद आते हैं, ठोकर खाने के बाद पूरे माहौल में, मतलब देख लेते हैं एक बार, ठोकर खा लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं कि अरे हाँ यार सर आपने जो एडवाइस दी थी वो सही। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मेरे पास खुद इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, इतने ईमानदार लोग हैं जिन्होंने पहले भरोसा नहीं किया था और बाद में आकर, जैसे कि जब लास्ट टाइम मुझे याद है बहुत अच्छे से कि 2020 का जब मैंने प्रूफ दिया था UPSC का, UPSC 2020 का जब प्रूफ दिया था मैंने, उसके डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी पूरी की पूरी, तो जब मैंने प्रूफ दिया था तब मेरे पास स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपने जो चीज़ कही थी हमने नहीं मानी और हम भटकते रह गए। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपके करंट अफेयर्स करने के बाद और कुछ भी करना है क्या? अब देख लो यार आपके ऊपर है, आपके सामने प्रूफ दे रहा हूं मैं, करना है तो कर लो, आपके ज्यादा टाइम है। मैं तो आपको ये बोलता हूं रेगुलर करंट अफेयर्स लेक्चर को फॉलो करो, जनरल स्टडीज के टॉपिक कवर करो, अगर आप हमारे पेड बैच में नहीं है, पेड बैच में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, बस वो ही चीज आपको करनी है। बाकी अगर आप कहीं और से कवर कर रहे हैं या खुद से कवर कर रहे हैं तो आप जनरल स्टडीज के टॉपिक करो, अपने ऑप्शनल की तैयारी करो और उसके बाद फिर अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप जहां पे भी करंट अफेयर्स और करना चाहो कर सकते हो, पढ़ने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब चीजें प्रायोरिटी पे पहले रखने के बाद दूसरी चीज करो, राइट। क्योंकि मैं जो चीज आपकी कवर कराता हूं वो श्योर शॉर्ट चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, राइट। चलो फिर ये था आपके लिए प्रूफ और बाकी अब मिलेंगे रेगुलर लेक्चर्स में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।